हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, वरना आपका आधार बंद भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आधार कार्ड से संबंधित जो आपको जरूरी जानकारी देनी है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है उस आधार कार्ड के माध्यम से ही आपको सभी सेवाओं का लाभ मिलता है। जो भी काम आपको करवाना है वो आधार कार्ड के माध्यम से ही होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपके आधार कार्ड को कोई दिक्कत हो गई तो आपको कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है उस आधार कार्ड की एक प्रोसेस की जा रही है, चलिए आपको वेबसाइट पर लेकर ही चलते हैं और वहीं पर आपको बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको myaadhar.uidi.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा और दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप 14/6/2024 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो उनको करनी है जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना है। यानी अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल या उससे ज्यादा समय हो गया है तो आपको अपने आधार कार्ड को इस प्रकार अपडेट करने की आवश्यकता है। आपको अपने आधार कार्ड के अंदर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड 8 साल पुराना है या फिर 9 साल पुराना है या फिर 7 साल भी पुराना है तो भी आप अपने आधार कार्ड को इस प्रकार बिल्कुल फ्री अपडेट कर लीजिए, उसमें आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए ताकि आपको भी कोई समस्या न हो। और अगर आप अपडेट कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपडेट कर दीजिए अपने आधार कार्ड के अंदर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट ताकि आपका आधार कार्ड बिल्कुल ओके हो जाए, कोई भी दिक्कत आगे चलकर आपको न आए। दोस्तों, ये अपडेट करना जरूरी है वरना आपके आधार कार्ड को इनएक्टिव किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पर आकर अपने आधार कार्ड को लॉगिन करके इस ऑप्शन के माध्यम से अपडेट करने हैं। और यहां पर दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, वोट कार्ड या अन्य अनेक प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा, आपका जो वोट कार्ड है वो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट दोनों में अपलोड आप कर सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में दोनों में अपलोड हो सकते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो केवल आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड हो सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में वह मान्य नहीं होंगे। जिस प्रकार आपका जो पैन कार्ड है वो केवल आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड हो सकता है, एड्रेस प्रूफ में मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो करनी जरूरी है, आप जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 14/6/2024 तक इस प्रोसेस को आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो पैसे हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस को आप खुद घर बैठे कैसे कर सकते हैं, यानी अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन बिल्कुल फ्री अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे और सीख पाएंगे कि आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे बिल्कुल फ्री अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।